अम्मी, आखिर आपको हुआ क्या है? आप क्यों इतनी खामोश हैं? कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बताएं। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर कुछ नहीं है तो आपने किस बात की इतनी टेंशन ली है जो आपकी ये हालत हो गई? आप ही बताएं क्या बात है। क्यों तुम लोग मेरे सर पे शोर मचा रहे हो? जाओ, मुझे आराम करना है बस। मलिया आंटी ठीक कह रही हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं कल फिर चक्कर लगाऊंगा। वो एमन मेरा घर पे इंतजार कर रही है। ठीक है बेटा, जाओ मलिया, फहद को छोड़ा। आप ही आप फहद को बाहर तक छोड़ा है, मैं मम्मी के पास रहती। नहीं नहीं तुम जाओ बेटा, खुदा हाफिज। बेटा हाँ, जो कुछ हुआ है ना, इसके बारे में ना मलिया को पता चले ना फैसो को। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उनको बाद में पता चला तो उनको बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगे वो। बात की बात में देखी जाएगी, अभी जैसा कह रही हो बस वैसे ही करो। अम्मी मैंने यखनी चढ़ा दी अम्मी के लिए, आप दोनों मुझे देख के चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, अम्मी को आराम करना था, बस मैं कह रही थी कि आप लेट जाएं। पक्का? कोई बात तो नहीं छुपा रहे ना मुझसे? क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ, जल्दी से जाओ यखनी लेकर आओ, अम्मी को भूख लग रही होगी। जाओ।